I'm Barkha and welcome to the show World of Bollywood. Here we'll fill you in all the inside happenings of B-Town. Who signed which film? Who ditched whom? Hookups, breakups, link-ups, everything presented to you in this half hour. But before that, let's check out what's making headlines today. शो की शुरुआत करेंगे मुंबई में recently शुरू हुए IIJW यानी India International Jewelry Week के first day पर Bollywood hotties के ramp walk से. आलिया भट्ट के serial kisser बनने की बात पर इमरान हाशमी ने किया react, कहा चार फिल्मों से नहीं बन सकते serial kisser, 10 साल का experience चाहिए. Media photographers के सलमान खान को boycott करने की खबर पर भी बोले इमरान हाशमी, कहा media को मिलना चाहिए उनका. देसी कट्टे के प्रमोशन पर सुनील शेट्टी ने भी किया इसी कंट्रोवर्सी पर सलमान को खुलकर सपोर्ट. और साथ ही बताएंगे कि एक ज्वेलरी स्टोर के लॉन्च पर सुष्मिता ने अपनी अपकमिंग फिल्मों के बारे में क्या डिटेल्स दी. चित्रांगदा सिंह, दिया मिर्जा एंड मोर. Glittering, dazzling, baby dolls on the ramp. Well, ये है the India International Jewelry Week, जहां ramp पर नजर आई Bollywood की कई beauties donning some gorgeous, elegant and royal jewelry. Starting with one and only baby doll Sunny Leone. जो कि एक गॉथिक इंडियन अवतार में किसी बेबी डॉल से कम नहीं लग रही थी. लावा झंडू पाम जे नच दे पैजन थमका मेरे ही चर्चे मेरी आही कला जग सारा कर गानी बार बार वे. सनी के बाद रैंप पर शर्माते हुए वॉक किया कल्कि गोचलिन ने, जो एक रेड कलर गाउन में लग रही थी सुपर हॉट. Somebody who's a little shy and who's just falling in love. So it was a character for the stage to do that whole like sharmawali. Sharmili time. चित्रांगदा सिंह ने भी एक राजस्थानी गर्ल के अवतार में रैंप पर आकर सबका दिल जीत लिया. घंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदो नच पैन दी पूरा लंदन ठुमकदा. वैसे जलवा तो बाकी हॉटीज का भी कम नहीं था. एक थी गौहर खान who glittered in a white gown. अमीशा पटेल was looking super elegant in the sleeveless costume. And दिया मिर्जा too stunned on the ramp. दिया ने यहाँ बहुत जल्द होने वाली अपनी शादी की कुछ डिटेल्स शेयर की. शादी की क्या डेट हुई है, प्लेस क्या होगी, दूसरी चीज क्या क्या आपने फाइनलाइज किया, कैसे होगा? देखो अगर आपको सब बता दूंगी अगर आपको सब बता दूंगी तो फिर सरप्राइज नहीं रहेगा. नहीं मैं बिल्कुल नहीं आपको जासूसी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ना ही आपको बॉबी जासूस को हायर करना पड़ेगा.
मैं इंडिया में ही शादी करूँगी. मुझे बहुत लगाव है और एक आई विल नेवर गो अवे एनीवेयर. आई विल मैरी. लेकिन मैं दिसंबर सितंबर या अक्टूबर. नेहा धूपिया, अंकिता शोरी एंड ऑल्सो लीसा रे ऑन द रैम. वेल, तो ये रहा डे वन ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी वीक. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स राइट हियर ऑन बॉलीवुड लाइव. वो टैग लेने के लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. 10 साल की मेहनत मेरे पीछे है. इन दिनों हर फिल्म में किसिंग सीन्स देकर बॉलीवुड की नई सीरियल किसर बनने जा रही आलिया भट्ट पर ये है ओरिजिनल सीरियल किसर इमरान हाशमी की राय. वो टैग लेने के लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. तो उसके लिए आपको चार फिल्में करनी पड़ेंगी एक साल में 10 सालों तक. तो उसके बाद कहीं आपको टैग मिलेगा. जी हाँ, इमरान हाशमी का मानना है कि उनका सीरियल किसर टैग छीनने के लिए आलिया को भी काफी मेहनत करनी पड़ेगी. वेल, आपको याद दिला दें कि आलिया की चारों बैक टू बैक हिट्स में किसिंग सीन्स होने की बात को रिसेंटली कपिल के कॉमेडी शो में भी काफी उछाला गया था, जिससे आलिया टू वाज क्वाइट एम्बैरस्ड. हमने सुना कि आलिया ने भी आजकल नंबर देना शुरू कर दिया है. सो उन्होंने वरुण को किसी खास चीज में से 10 में से 10 नंबर दिए. वो कौन सी चीज है, जनता जवाब जानना चाहती है. मैं वो चीज नहीं कहना चाहती हूँ क्योंकि आई थिंक ये पारिवारिक शो है और हम पारिवारिक इंसान हैं और हम परिवार. अरे चल झूठी. बड़ी आई पारिवारिक. ऐसी कौन सी चीज है मतलब जो पारिवारिक शो में नहीं बोल सकते. परिवार बनता कैसे है. ये किसिंग की बात ही कर रहे थे आप. 10/10 उन्होंने बाकायदा किसिंग के लिए दिए थे. ये इमरान हाशमी की बहन है, सीरियल किसर ये भी है. मैं कहता हूँ सारे परिवार में यही उनकी खासियत है. मैं मंदिर जाती हूँ. महेश भट्ट शायद भी बहुत अच्छे बेहतरीन किसर होंगे. पापा. इनका फैमिली सॉन्ग है, किससे प्यार करूं कैसे प्यार करूं. लेकिन अब तो इस वॉर ऑफ द टाइटल में खुद आलिया के कजिन इमरान हाशमी भी शामिल हो गए ये कहकर. वो टैग लेने के लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. 10 साल की मेहनत मेरे पीछे है. तो आई नो. लेकिन उसके लिए आपको चार फिल्में करनी पड़ेंगी एक साल में 10 सालों तक. तो उसके बाद कहीं आपको टैग मिलेगा. और तो और, आलिया को किसी तरह की किसिंग एडवाइस ना देने की बात भी कह दी इमरान ने. हालांकि आलिया की एक्टिंग को लेकर इमरान ने जरूर उनकी काफी तारीफ की. आई एम वेरी हैप्पी फॉर बहुत ही सक्सेसफुल. उन्होंने आई थिंक 3 या 4 बैक टू बैक हिट्स दिए. शी इज अ फैंटास्टिक एक्टर एंड आई फॉलोड एवरी फिल्म ऑफ हर्स. वैसे आपको बता दें कि लॉन्ग टाइम नो सी इमरान से हमारी ये मुलाकात हुई उनकी अपकमिंग टिपिकल हाशमी एंटरटेनर फिल्म राजा नटवरलाल की रैप अप पार्टी पर, जहां इमरान के साथ उनकी एक्ट्रेस हुमायमा मलिक, हु इज वीना मलिक सिस्टर, डायरेक्टर कुणाल देशमुख और प्रोड्यूसर सिद्धार्थ रॉय कपूर भी स्पॉट किए गए. सभी ने घनचक्कर के बाद आ रही राजा नटवरलाल में इमरान के क्विंटेसेंशियल किसिंग सीन्स होने की बात को भी एक्सेप्ट किया. वो तो ट्रेलर इज कमिंग आउट दिस वीक, हैव अ लुक. आप फिल्म देख लो ना, ट्रेलर देख लो. मैंने एक्सपेरिमेंट किया था लेकिन अभी वापस आ रहा हूँ एक कंप्लीट मेनस्ट्रीम फिल्म के साथ जो इज कम्प्लीटली अप माई एली. इट्स गॉट द रोमांस, इट्स गॉट द हीरो विलन कॉन्फ्लिक्ट, इट्स गॉट द सॉन्ग्स, इट्स गॉट द किसेस. So yeah, it's got all of that. तो बस यहीं से बात मुड़ गई आलिया की तरफ, जिसके बाद अपने बेटे अयान को अपनी बोल्ड फिल्म में कैसे दिखाते हैं इमरान, इस पर भी इमरान ने दिया ये इंटरेस्टिंग जवाब. मैं उसको अपनी फिल्म में नहीं दिखाता हूँ. वो अभी सिर्फ 4 साल का है.
18 साल का हो जाएगा तो मेरी फिल्में देखेगा। बहुत बहुत पता है कि उसका फादर एक्टर है। खैर, टॉकिंग अबाउट राजा नटवरलाल, इस फिल्म को लेकर ये सभी काफी कॉन्फिडेंट दिखे। कैरेक्टर तो वही है, हाथ की सफाई का आर्टिस्ट है और एक फ्रॉड है, एक स्मॉल टाइम फ्रॉड है, और जो पहली बार अपनी ज़िंदगी में एक जो बड़ी 420 करता है और किस तरह वो एक बहुत बड़े विलेन से पंगा लेता है फिल्म में। जो आदमी कौन करता है, लोग बोलते हैं कि यार वो नटवरलाल है, तो और कैरेक्टर का नाम जो है फिल्म में राजा है, तो दैट्स वाई द टाइटल राजा नटवरलाल। द फिल्म रिलीजेज ऑन द 29th of August और हम बहुत ही खुश हैं। चलिए अब इतने लंबे ब्रेक के बाद आ रही इमरान हाशमी की इस फिल्म को ऑडियंस कैसे एक्सेप्ट करेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन टिल देन आलिया इमरान के इस बात पर क्या रिएक्शन देंगी, ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। वो टैग लेने के लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको चार फिल्में करनी पड़ेंगी एक साल में 10 सालों तक, तो उसके बाद कहीं आपको टैग मिलेगा। सुरुचि महतपुरकर, कोरे जिंग, मुंबई। डेफिनेटली अगर आप मीडिया को इस्तेमाल करोगे और कहीं आपको पब्लिसिटी मिल रही है, यू हैव टू गिव द मीडिया दैट मच स्पेस। इमरान हाशमी तैयार हैं अपनी अपकमिंग फिल्म राजा नटवरलाल के फर्स्ट लुक लॉन्च के लिए, जिसका ट्रेलर अटैच होने वाला है सलमान खान की ईद रिलीज किक के साथ। लेकिन इसके बावजूद रिसेंटली मीडिया फोटोग्राफर्स और सलमान खान के बीच हुए शोडाउन के बाद सलमान को बॉयकॉट करने की खबर पर इमरान ने काफी स्पॉटिंगली सेलेब्स की लाइफ में मीडिया की इम्पोर्टेंस को एक्सेप्ट किया। एंड दिस इज व्हाट इमरान हैड टू से। मीडिया और आर्टिस्ट के बीच में एक अलग रिलेशन होता है, लेकिन कई बार आर्टिस्ट जो होता है बच्चों भी बताता है। अभी सलमान खान के बॉडीगार्ड्स ने उन्होंने भी ऐसे हैंडल किया था मीडिया को, उसके बाद सलमान को बॉयकॉट किया गया। व्हाट शॉर्ट थिंक अबाउट दैट, आप क्या कहना चाहेंगे एज एन आर्टिस्ट? सलमान बहुत से एक्टर्स के साथ ये इशू आता है, अभी श्रद्धा कपूर के साथ। जी जी, आई डोंट नो अबाउट दैट इन पर्टिकुलर, आई हर्ड अबाउट सलमान रिसेंटली। देखिए, मैं उनकी तरफ से नहीं बोल सकता हूँ, आई थिंक हर शख्स उनकी जगह सही होता है, उनका भी एक पर्सपेक्टिव है, शायद वो गुस्से हो गए थे, ही हैज हिज ओन पर्सपेक्टिव टू इट। बस यही चाहूँगा कि एक मीडिया उनके बीच सुलह हो जाए, और यू नो इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप आई थिंक मीडिया और सेलिब्रिटीज़ का। सेलिब्रिटीज़ के बगैर आप छापोगे क्या, और आपके बगैर हम छपेंगे कैसे? तो आई थिंक एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप है, दोनों की दुकानें साथ साथ चलनी चाहिए, तो बेहतर ये होगा कि वी Somewhere learn to live in a certain synergy and peace and calm. Definitely, अगर आप मीडिया को इस्तेमाल करोगे और कहीं आपको पब्लिसिटी मिल रही है, you have to give the media that much space. You have to, and even मेरे फिल्म के promotions के लिए I make sure that always जो media interactions होते हैं they are as good and as, you know, just kind of go by with certain, I think with peace and calm and, you know, are very civil. चलिए, वी होप कि इमरान की इस बात को सलमान खान भी समझ पाए और अपने बॉडी गार्ड्स के जरिए मीडिया फोटोग्राफर्स से धक्का मुक्की करवाना बंद कर दें। ताकि उनकी अपकमिंग ईद रिलीज को थोड़ी बहुत पब्लिसिटी मिल जाए। गलियां गोलियों वाली, दोस्ती सदियों वाली, थे शाखों के कड़क पत्ते जिन्हें कहते थे देसी कट्टे। की तरफ बंदूक ताने, ये है फिल्म देसी कट्टे की स्टार कास्ट, जो कि मुंबई के एक राइफल शूटिंग क्लब आ पहुंची अपनी इस फिल्म का प्रमोशन करने के लिए। यहां नजर आए सुनील शेट्टी, साशे आगा, क्लॉडिया सीसला और डायरेक्टर प्रोड्यूसर आनंद कुमार, जो कि अलग अलग अंदाज में पोज करते दिखे। ये दुनिया के सबसे बेहतरीन पिस्टल्स हैं, आगे के सफर में तुम्हारे काम आएंगे। यहाँ आई तो थी फिल्म की पूरी टीम, मगर शायद मीडिया के पास इनसे पूछने के लिए कोई सवाल था ही नहीं, इसीलिए ये सारे चुपचाप बैठे रहे, सिवाय लीड एक्टर सुनील शेट्टी के, जिन्होंने यहाँ अपने आने का मोटिव मीडिया के साथ शेयर किया। The entire team of, देसी कट्टे
यहाँ आया हुआ है शूटिंग को प्रमोट करने। इस फिल्म के द्वारा भी हमारी मैसेज डेफिनेटली यही है कि स्पोर्ट अबाउ एवरीथिंग एल्स। इसके द्वारा हम उन क्लब्स जो आज फंड्स के वजह से या किसी वजह से पॉपुलैरिटी न होने की वजह से दे आर ड्विंडलिंग, उन्हें हम उठाना चाहते हैं, ब्रिंग इट बैक टू फंक्शनिंग। वैसे बॉलीवुड के एक्शन हीरो सुनील शेट्टी को हमने कई फिल्मों में गन्स चलाते देखा है, मगर रियल लाइफ में गन्स चलाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल रहा। बचपन में हमेशा ऑफकोर्स राइफल लेके घूमना, हमेशा सोचते थे कि फौजी ही बनेंगे, गुब्बारों को उड़ाना हो मेले में या आप कई गाँव में अब जाते हैं तो एयर राइफल से आप कैंस या बॉटल्स को उड़ाने की कोशिश करते हैं। यहाँ लास्ट टाइम जब हम यहाँ आए थे ट्रेनिंग करने और इसके लिए, तब एहसास हुआ कि ये जितना सोचते उतना आसान है नहीं। हाथ का स्टडी रहना, फोकस रहना, सिर्फ टारगेट का दिखना बहुत जरूरी है। और जब बात आई सुनील के दोस्त सलमान खान से जुड़ी एक रीसेंट कंट्रोवर्सी की, जिसमें स्टिल फोटोग्राफर्स ने सलमान को बैन करने का डिसीजन लिया है, इस सवाल पर सुनील ने खुलकर सलमान के लिए शो किया अपना सपोर्ट। हाल ही में आपको पता चला होगा सलमान खान साहब का बड़ा गुस्से वाला रवैया देखने को मिला मीडिया को, जिसके से उनको बायकॉट किया गया, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जितना सलमान को जानता हूँ, मैं डेफिनेटली ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, और ज़रूर मिसअंडरस्टैंडिंग है। बाउंसर्स और जो जो वेन्यू के लोग हैं, जो सिक्योरिटी ले आते हैं, कभी कभी एक्साइटमेंट में बहुत कुछ हो जाता है। आई थिंक वी शुड ऑल वर्क टूवर्ड्स क्लियरिंग दिस इश्यू। आप भी जानते हैं कि आप भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं, वो भी आप लोगों से उतना ही प्यार करते हैं, बैठ के सब बातें सुलझ जाती है। सो आई डोंट थिंक इट्स अ बिग इश्यू, इट कैन बी क्लियर्ड। आई डोंट थिंक देयर इज अ बेटर सोल देन सलमान खान। लेट्स होप सुनील कि सलमान और मीडिया की ये कोल्ड वॉर जल्द ही खत्म हो जाए, और जाते जाते हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जितना ठंडा आपका ये प्रमोशनल इवेंट रहा, बॉक्स ऑफिस पर आपकी फिल्म का बिजनेस उतना ठंडा ना रहे। इन्वेस्टमेंट एडवाइस, अगर आपकी इक्विटी या डेट मार्केट गिरेगी तो गोल्ड की प्राइस ऊपर जाएगी जाएगी। कुछ मस्ती मजाक और कुछ फिल्मी बातें, बट यस देयर इज अ स्क्रिप्ट दैट बोथ ऑफ अस आर कंसल्टिंग टुगेदर। On a rainy day in Mumbai, long time no see, Sushmita Sen early morning पहुंची एक jewelry store को inaugurate करने के लिए, और सुश के साथ the Bengali star Prosenjit Chatterjee भी। पर सुश एज यूजुअल दिखी इन अ गुड मूड, और यहाँ सुश ने बात की कई अलग अलग टॉपिक्स पर, फ्रॉम द बजट टू हर अपकमिंग फिल्म्स। सो लेट्स हियर हर आउट। Indian Railways always plays a very important role in Indian cinema. You know, whether it's Burning Train, Sholay, or if it's the current one, Chennai Express. What you have to say about the role of Indian Railway as a property in Indian cinema? इतनी पॉजिटिविटी आप कहाँ से लाती हैं? और जब आप डिप्रेस या किसी चीज से निराश होती हैं, तो उस वक्त क्या करती हैं? सोना खरीदती हूँ। जो अफोर्ड नहीं कर सकता खरीदने के लिए, वो एस्पायर करे। एंड दैट्स अ वेरी लवली क्वेश्चन एक्चुअली यू आस्क। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मेरी लाइफ में मुझे हमेशा सिर्फ ब्लेसिंग्स दिखती है। सो व्हेन आई लुक अराउंड मी, आई थिंक हाय भगवान, इतनी प्रॉब्लम ही नहीं है। यू नो, आई थिंक व्हेन यू लुक एट लाइफ रिलेटिवली यू स्टे हैप्पी। And that's how I stay positive. There are numerous news in the media that you are coming along with Aishwarya Rai. If you can throw some more light on the project. Yes, there is a script that both of us are consulting together. Well, to ye rahe the always chirpy Sushmita and Prosenjit at a jewelry store launch. Good luck to her on her upcoming film with Aishwarya. That's all for now, but stay tuned as we ensure to keep you updated on all the latest buzz from Tinseltown exclusively on Zing.